चलिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से एक धमकी भरा मैसेज मिला है जिसमें लिखा हुआ है, बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए यह अच्छा नहीं होगा, ये हमारा आखिरी मैसेज है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज है, जहां शिकायत करनी है कर लो, ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। तो ये धमकी भरा मैसेज व्हाट्सएप पर बजरंग पूनिया को मिला है और ये जो नंबर है ये विदेशी नंबर है, यानी विदेशी नंबर से बजरंग पूनिया के व्हाट्सएप पर धमकी का मैसेज आया है। इस धमकी के बाद बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाना क्षेत्र में यानी थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से भी लेकर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और धमकी देने वाले शख्स की पहचान करने के लिए सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने बजरंग और उनके परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है कि किसी मशहूर शख्स को इस तरह की धमकी मिली है। आपको बता दें, पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता भी है और जाना माना नाम भी है। अभी हाल ही में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही उन्हें अब ये धमकी भरा मैसेज मिला है। विनेश फोगाट को तो कांग्रेस ने चुनावी टिकट दे दिया है और बजरंग पूनिया ने जानकारी मिल रही थी कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद अब उन्हें ये धमकी भरा मैसेज मिला है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कौन हो सकता है, धमकी भरे मैसेज के पीछे क्या वजह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से ले लिया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है कि विदेशी नंबर से मैसेज करने वाला शख्स कौन है। जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। वहीं बजरंग पूनिया के परिवार की सुरक्षा दूसरी तरफ बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को अब गंभीरता से ले रही है।